अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो आज मैं आपको जो है अपना होम टूर करवाती हूँ। ये है मेन गेट, यहाँ से इंटर होते हैं और सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाके है घर बना हुआ। ये कमर्शियल एरिया है, तो नीचे शॉप है और ऊपर जो है हम रहते हैं। ये देखें, पानी जो है फैसलाबाद में नहीं आता अच्छा, तो इसलिए मंगवाना पड़ता है, या पानी के कैन देखते हैं। सिंक लगा हुआ है, ये इधर मैं रोटियां सुखा के डाल देती हूँ और ताला और ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। ये स्कॉच ब्राइट है सिंक साफ करने के लिए, ये इंक भी यहीं रखी हुई है। और ये आप देखें, वेज़लीन लोशन, फेस वॉश, ये कंघियाँ और पेस्ट वगैरह। तो जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले ये जो है बना हुआ लॉन्च सा, टीवी लॉन्च के तौर पे तो हम यूज़ नहीं करते, बस ये सिटिंग एरिया ही कह लें। ये है एक कमरा और वापस, और इसके लेफ्ट हैंड पे ये एक और रूम है। मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ गैलरी। ये देखें, सीढ़ियाँ ऊपर आए और लेफ्ट हैंड पे ये गैलरी सी है। यहाँ से ऊपर छत का रास्ता भी जाता है और ये वॉशिंग मशीन भी यहीं पे मैंने रखी हुई है, क्योंकि ऊपर जो है ना वो सही प्रॉपर लगाने की जगह नहीं थी। गैस नहीं है तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, ये एक्स्ट्रा भरवा के रखा होता है। झाड़ू और ये कपड़े जो हैं ये धोने वाले हैं, ये इस पर रखे हुए। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर को जाती हैं। शू रैक नहीं है बच्चों के, यहीं पे ये शूज़ जो है ना इस तरीके से साइड पे रखे होते हैं। और ये जो है वॉशरूम, यहाँ से भी इसका दरवाज़ा है और दूसरी तरफ से भी इसका दरवाज़ा है। एक ये रूम हो गया और एक आता है ये रूम जो कि बच्चों का बेडरूम है। ये हीटर पड़ा हुआ है, वैसे तो हम इन्वर्टर है वो लगा लेते हैं, पर बच्चे कभी यहाँ बैठे तो फिर इलेक्ट्रिकल हीटर, क्योंकि गैस नहीं है तो अगेन हमें यही यूज़ करना पड़ता है। ये शाहजहान बैठे हुए हैं, सिद्धू 21 है, तो ये कल जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड की थी बर्थडे के भी चीज़ें लगी हुई हैं। बिस्तरे यहाँ मैंने रखे हुए हैं इस तरीके से, ये इस्त्री की टेबल। और यहाँ से बाहर आप देख सकते हैं ऐसे ये रूम है हमारा, ज़्यादातर टाइम इधर इसी रूम में गुजरता है। ये सिलाई मशीन है रखी हुई यहीं पे, मैं सिलाई के जो होता है काम करती हूँ। और ये अगेन जो है वॉशरूम, जिसका उस तरफ से दरवाज़ा था। अभी यहाँ कोई ऐसा कवर्ड नहीं है, तो बस कपड़े भी हमने अभी इसी तरह होते हैं, मतलब के हैंग ही किए होते हैं दरवाजे के पीछे खूंटियाँ लगा के उस पर। और बस फिर हेल्पर तो नहीं है कोई, खुद ही करने पड़ते हैं। ये है कि मतलब अगर आप कोई काम पेंडिंग छोड़ दो तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होती है। मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि वो ना इतना ख्याल नहीं रखते सफाई का, या जिस तरह जैसे दिल करता है चीज़ पड़ी है तो पड़ी रहे, साफ़ नहीं करनी। फ्रिज है तो वो सालों साल गंदे हैं, नहीं साफ़ करने।
खैर तो ये कि घर आपका हो या रेंटेड हो, उसको साफ तो करना चाहिए। ये आप तक होता है कि आप उसे साफ कर जाए, वो छोटा हो बड़ा हो। ये किचन है, किचन भी बहुत छोटा सा। ये अब आप देखें, ये इसकी एक वॉल है जैसे ही इंटर हुए, और ये साथ ही इतना सा फर्क है। इसीलिए इसमें मैंने चूल्हा भी जो है वो छोटा रखा हुआ है, और बाकी जो है ना इतने बर्तन नहीं निकाले हुए, बस ज़रूरत के जो होते हैं वही रखती हूँ। ये धो के इधर रखी है। इसके बाद आ जाते हैं बेडरूम। तो ये है बेडरूम में लाइट चल। ये ड्रेसिंग टेबल में ना रखा हुआ है, इस पर कोई चीज़ भी नहीं है। बच्चों की वजह से मेकअप का कोई सामान नहीं है, वो अंदर मैंने रखा है। ये है बेडरूम। जैसे इंटर हो तो पहले पहले ये ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, और ये बच्चों की वजह से मैंने यहाँ भी कोई मेकअप का सामान नहीं रखा हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ, ना कोई बॉडी स्प्रे, कोई चीज़ भी नहीं। इवन आप देखें कुछ भी नहीं है, बस एक ये फ़ोटो लगी हुई और जो है फ्लावर्स रखे हुए वो भी। तो जैसे ही आते हैं इंटर होते हैं तो ये साइड पे, इस साइड पे ये सोफ़ा। सुबह का टाइम है क्या, देखें 10:30 हो रहे हैं और मैं हांडी बना चुकी हूँ, सैलड भी बना ली। तो ये कपड़े, ये भी बच्चों ने इसका जो कवर था वो ख़राब कर दिया। एक यहाँ रखा हुआ है मैंने ब्लैंकेट, ये टीवी है एक्स्ट्रा, प्रिंटर, लैपटॉप, ये और एक ये बेड पे रखा हुआ है ब्लैंकेट। इधर ना स्टोरेज के लिए कोई ऐसा नहीं है बंद कबर्ड वगैरह, तो बस। और इस रूम के साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। बस टोटल यही है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा होम टूर, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे और हौसला होता है कि मज़ीद मैं जो है इनक्रेज होती हूँ वीडियो के लिए, कि वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। घर ये तो हमारा रेंटेड है, पर और अपने में हम जब शिफ्ट होंगे तो फिर, बल्कि होना हमारा मेरा अपना भी है, पर वो जो है शिफ्ट अभी हमने शायद 2 माह तक या अभी कोई कंफर्म नहीं है कब तक हो जाएंगे ना उसमें शिफ्ट। तो ये था बस आज का, और बीइंग अ हाउसवाइफ मतलब जो भी और भी हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है सब लोगों की, आप घर की जो है क्लीनिंग और कोई चीज़ पेंडिंग मत छोड़ा करें नेक्स्ट डे पे। और जो स्पेशली वर्किंग लेडीज होती हैं वो भी, वो तो खैर करती हैं, मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे, तो वो भी इसी तरह कि अगर 1-2 दिन का पेंडिंग छोड़ दें तो फिर कुछ। मैंने देखा है कि वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना डेलीकेटेड होती है अपने काम से भी और घर आके भी, और इसी के बरक्स कुछ ऐसी भी मैंने देखी हैं
जो सारा दिन घर होती है ना, उन्होंने कोई काम करा तो वो बिल्कुल ही फिर इस तरीके से होता है कि वो घर के भी नहीं करती। तो ऐसा है कि आपको ना ख़ास तौर पर सफाई का, तो हमारे नबी पाक का भी कॉल है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई का ख़ास तौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ या छोटे बच्चे हैं, तो वो ना जैसे ही बच्चा सोए तो अपना टाइम टेबल सेट किया करें कि इस अपने ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है ये कम से कम बैठने की जगह हो या कुछ इस तरीके का भी किया करें। और मतलब अपने रूम्स को ना सफाई का ख्याल रखें, और क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना घर का किचन का, तो हमें खुद भी पता होता है कि ये चीज़ आज नहीं की या ये चीज़ यहाँ से क्लीनिंग रहेगी। तो इसी तरह अगर आपको टाइम नहीं लगता तो आपको जहन में होनी चाहिए ये बात, एक दो दिन छोड़ के आप वो जगह क्लीन कर दें, एक दिन कैबिनेट्स कर दिए तो एक दिन नीचे वाले जो अगर होते हैं स्टोरेज का सामान, इसी तरह रूम्स का भी, और कपड़े अगर एक दिन धोए तो, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, काम वाली नहीं और मैं घर पर ही होती हूँ, कहीं मैं जॉब भी नहीं कर रही, घर पर ही होती हूँ। बट जब मैं जॉब करती थी तो, और तब भी मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी, फिर भी मैं आगे घर कर लेती थी, जॉब मैनेज करना, बच्चों को पढ़ाना, घर का भी सारा करना, उसके अलावा स्टिचिंग भी मैं खुद ही करती हूँ। तो ये मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही कि मैं सिर्फ आपको इसलिए मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग भी ना मतलब देखा करें, अपने घर में बैठ के एक ऑब्ज़र्व किया करें घर को या रूम्स को, पंखे गंदे, आज दीवारें हैं, आज ये है, आज फर्श है, इस तरीके से क्लीनिंग का एक एक काम ज़रूर करें। जब बंदा काम करता है तो वो ख़ुद भी बड़ा ना सेटिस्फाई रहता है, यानी कि जो दिन हमारा बेकार गुजर जाए काम के बगैर, बेकार से मुराद की कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर कोई वर्किंग लेडीज़ हैं तो वो या जो घर हैं, तो जो आपका दिन बेकार जाता है तो टाइम भाई मतलब ऐसे बोर यानी कि गुजरता है, टाइम ज़ाया ही होता है, और वो हमें ख़ुद भी फील हो रहा होता है कि भाई हमारा टाइम ज़ाया हुआ है। और अगर वही हम कोई प्रोडक्टिव चीज़ करते हैं, कोई अच्छा कर लेते हैं, तो हमें ख़ुद को ना बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, खुशी होती है कि भाई हमने आज ये काम कर लिया, ये टास्क कंप्लीट हो गया हमारा, इस तरह से खुद भी मेंटली आपको ना ज़रा अच्छा लगता है, सुकून आता है कि हाँ हमने अब जो है ये काम कर दिया। तो बस आज का यही व्लॉग था होम टूर का, और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और नेक्स्ट जो है वो फिर जैसे ही हम नेक्स्ट जो घर में अगर जाएंगे या जैसे, तो वो मैं फिर उसका जो है वो आपको तब बना के बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। दिन की तैयारी हो रही है और मैंने सलादना है साथ गर्म गर्म में, देखें आपका मसाला था, मैं वो ट्राई कर लूँ, बच्चा आएंगे तो बनाऊँगी एक प्लेट मेरी।